हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सिंगेज हमारे लिए सफिशियंट है। जेई मेन का एग्जामिनेशन नियर आने वाला है, तो क्या इस समय हमें क्या करना चाहिए, तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए कि सिंगेज अगर देखा जाए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, देन इट इज सफिशियंट। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंसेप्ट पे फोकस करें, ठीक है ना। और कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो क्वेश्चंस जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं। तो अगर मैं ऐसे सिंगेज के बारे में बात करने वाला हूँ, तो सिंगेज के बारे में बता दूँ क्या इसका एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैट है, इलेक्ट्रोस्टैट में आपको ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि आपका जैसे सिंगल करेक्ट आंसर टाइप, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। तो अगर देखा जाए तो ये एडवांस के लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। बट इस इतना आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तब ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी कोचिंग क्लासेस में, तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं देन यू हैव टू डू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। तो उसमें आप ये सेंगेज, कोई ज़्यादा इसका कॉस्ट भी नहीं है, 3000 आएगा सारे पार्ट को अगर लेते हैं तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो है 6 पार्ट आता है टोटल, ठीक है ना। और ये एडवांस सीरीज है, ठीक है ना, एडवांस सीरीज है। आप एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे तो मेंस हो जाएगा। तो आई होप कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सिंगेज का फॉलो करें, ब्लाइंडली करें, क्योंकि आपके पास जेई मेंस की बात करें तो 2 मंथ्स है, ठीक है ना। तो 2 मंथ्स में एक टारगेट सेट करेंगे कि हमें एक दिन में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जहाँ भी आप पढ़े हैं, किसी भी कोचिंग क्लासेस में पढ़े हैं, अगर वहाँ का टीचर पोटेंशियली पढ़ाया आपको, तो आपसे क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन होंगे तो लॉन्ग विथ इसके क्वेश्चन पिक करिए, और पहले एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि पहले आप जेई मेन में क्वालिफाई नहीं होंगे तो एडवांस आप अपियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। एडवांस में अपियर होना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले जेई मेन पे फोकस करें, फिर उसके बाद एडवांस पे फोकस करें। तो इस वीडियो में हम यही सजेस्ट करने आए हैं। बाद आप जहाँ भी पढ़े हैं वहाँ के टीचर वेल डिजर्विंग टीचर होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। तो ऑल द बेस्ट, आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, और जहाँ भी सपोर्ट की नीड है कमेंट में करें, कमेंट करें, कमेंट में आपके जो क्वेरी होगी उसको केयरफुली देखा जाएगा, और उस पर ट्राई करेंगे कि एक दो वीडियो बनाएं। जैसे हमने रे ऑप्टिक्स का ग्राफिकल मेथड समझाया, फोकल लेंथ का क्या होता है, तो ऐसा वैसा वीडियो अगर रिक्वायरमेंट हुई तो बनाएंगे। बाकी ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही है, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट।